हेलो एवरीवन, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द यूनिट नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैग्नेटिक सर्किट। ओके, और उसके अंदर हमने पहले लेक्चर में देखा था, सिंपल टॉपिक एक था, कॉन्सेप्ट ऑफ एसी एंड डीसी के बारे में। एसी एंड डीसी क्या होता है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से, 1.1 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेशन प्रिंसिपल, वर्किंग सेटअप, एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस, राइट। सो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में। एक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहाँ पे जनरेट होती है वो प्लेस को क्या बोलते हैं, पावर स्टेशन, ओके, या उसको बोलते हैं पावर प्लांट। और वो जो पावर स्टेशन, पावर प्लांट जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, यानी तो वो हम वन बाय वन देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो, ओके। और ये जो टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो इतना ज़्यादा आईएमपी है नहीं, लेकिन कोई बार इसमें से 4 मार्क की थियोरी आ सकती है, ओके। यहाँ पे एक पहला इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने बताया वो कि एनर्जी इज़ फाउंड इन नेचर इन वेरियस फॉर्म सच एज इलेक्ट्रिकल, केमिकल, हीट, मैकेनिकल एक्सेट्रा, ओके। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जे छे ए घना बदा स्वरूपमां अवेलेबल छे, बराबर छे। दाखला तरीके इलेक्ट्रिकल, केमिकल, हीट अने मिकेनिकल, एमाथी जे इलेक्ट्रिकल जे एनर्जी छे एने आपणे यूज करवो होय तो खूब ज अनुकूल रहे छे, तो सौथी वधारे आपणे एनो ज यूज करता होय छे, बराबर छे, गेटी। उसमें से ये जो सारे जो टाइप्स है, फॉर्म जो है एनर्जी के, उसमें से ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, अमोंग ऑल दिस इलेक्ट्रिकल फॉर्म is most convenient to use, okay, and employed widely. So ये सारे जो form है उसमें से जो electrical जो form है वो use करना ज़्यादा convenient है, okay. तो आज हम बात करेंगे electrical energy के बारे में। So सबसे पहले हम देखेंगे, energy की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे law of conservation of energy. So according to the लो ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, वी कैन नॉट क्रिएट द न्यू एनर्जी एंड ऑल्सो वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। सो वॉट वी कैन डू, वी कैन ओनली कन्वर्ट द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू द अनदर फॉर्म, गेटिंग। सो एनो मतलब शू है कि जो एनर्जी है एने अपने नवी एनर्जी अपने बनावी नहीं सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता अने एनो नाश पण नहीं कर सकता अपने। तो आप शू कर सकिए छे कि घना बदा स्वरूपों एनर्जी ना ऑलरेडी है ज, तो एने एक स्वरूप में बीजा स्वरूप में आप रूपांतर कर सकिए छे, गेटी। सो एनर्जी जो है हम न्यू जो है वो जनरेट नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको हम एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये बात हुई लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ये आपको याद रखना है और ये स्कूल में भी आ गया है ऑलरेडी। सो जो मैंने पहले बताया वैसे कि जो एक जगह है, एक प्लेस है कि वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना है, जनरेट करना है, तो वो प्लेस को हम क्या बोलेंगे, पावर स्टेशन, और उसको बोलते हैं पावर प्लांट बोलते हैं, गेटिंग। सो ये जो पावर स्टेशन, पावर प्लांट जो हो घना बदा टाइपना हो तो कई टाइपनो है, ये साना पर डिपेंड करे छे, ये डिपेंड करे छे, यहाँ पे लिखा देखो, बेसिस ऑफ दी बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी यूज, मतलब आपणे कई एनर्जी सोर्स तरीके आपणे अहींया इनपुट में कई एनर्जी सोर्स तरीके आपणे यूज करीए छे, एना हिसाबे दरेक पावर प्लांटना नामों आप्या छे, यानी समझ पड़ी। सो यहाँ पे हम पहला
एक पावर स्टेशन देखते हैं, उसका नाम है थर्मल पावर स्टेशन। उसका ये जो बेसिक डायग्राम दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या होता है, कुछ डिटेल में ज़्यादा नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि थर्मल स्टेशन में, पावर स्टेशन में कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं। रेडी? सो सिंपल सी डायग्राम, उसमें क्या है, आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है और ये सब कुछ एक बार पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ये डायग्राम पे से ही आपको पूरा थियोरी जो है वो लिखना है। अभी 4 मार्क्स में आया, आप ये डायग्राम अच्छी तरह से ड्रॉ करो और थोड़ा बहुत लिख दो तो कोई मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका। यानी और ये जो फिगर में जो हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम में, सेटअप है पूरा ये, बस उस पे से ही आपको लिखना है क्या कुछ होता है वो। सो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से इनपुट में। सो इनपुट में हम क्या देते हैं, देखो, कॉल, ऑयल और गैस, बराबर है। सो आ बधी कई एनर्जी थी गई, केमिकल एनर्जी थी गई, बराबर है। તો આપણે શું કરીશું, આ જે કોલસો હોય છે, ઓઇલ કે ગેસ હોય છે, એને આપણે બોઇલરમાં જે પાણી હોય છે ને એને સળગાવીશું, બરાબર? તો એ બોઇલરની અંદર જે પાણી હોય છે એ શામાં રૂપાંતર થશે, સ્ટીમમાં, વરાળમાં, બરાબર છે? ઓકે, સો ઇફ વી, યહાં પર લિખા દેખો, ઇફ વી બર્ન ધી કોલ ગેસ ઓર ઓઇલ इन स्टेशन इन बॉयलर, देन वॉट हैपन, वाटर इज कन्वर्टेड इन टू दी स्टीम एंड द स्टीम टर्बाइन इज रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम, बराबर है। सो बॉयलर अंदर आप सड़गामीशूँ तो पानी गरम थे, तापमान वे साम रूपांतर थे वराने अंदर, स्टीमनी अंदर। हमें ये स्टीम है, બરાબર, એક ગરમ થયું કહેવાય, તો આ જે કેમિકલ એનર્જી, મતલબ જે આપણે કોલસો અને ઓઇલને જે સળગાવીએ એ સામાં રૂપાંતર થઈ ગઈ કહેવાય વરાળ, એટલે એને શું કહેવાય, આપણે હીટ એનર્જીમાં રૂપાંતર થઈ ગયું કહેવાય, ઓકે? અને એ જે સ્ટીમ છે એ સ્ટીમને આપણે એક પાઇપ દ્વારા ફોર્સથી, આપણા જે ટર્બાઈન છે એટલે એ આપણું ગોળ ફરતું હોય છે આખું, બરાબર છે, સ્ટીમ ટર્બાઈન, તો એના પર આપણે આપવામાં આવે તો એ ટર્બાઈન કેવું કરવા લાગશે, ફરવા લાગશે, બરાબર? એ ફરવા લાગશે એટલે જે આપણી હીટ એનર્જી છે એ સામાં રૂપાંતર થઈ ગઈ મિકેનિકલ એનર્જીમાં, કેમ કે ફરવા લાગ્યું। હવે આ સ્ટીમ ટર્બાઈન સાથે આપણે શું જોડ્યું હોય છે, અલ્ટરનેટર, બરાબર છે। તો અલ્ટરનેટર શું છે, અલ્ટરનેટર શું છે, એક ઇલેક્ટ્રિકલ જનરેટર છે, બરાબર છે। અને એ કઈ ટાઈપની ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરે છે, એસી, તો એને આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ એસી ઇલેક્ટ્રિકલ જનરેટર છે, બરાબર। તો એ અલ્ટરનેટર શું કરશે, આ જે મિકેનિકલ એનર્જી છે એને આપણે જે જોઈએ છે એ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં એનું રૂપાંતર કરી દેશે, બરાબર। સો આપણે અહીંયાથી ખ્યાલ આવી ગયો તમને, જે ઇનપુટ આપી છે આપણા કેમિકલ એનર્જી એ કેવી રીતે કન્વર્ટ થઈ ગઈ આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં આ આખી પ્રોસેસ દ્વારા। સો આ સિમ્પલ જે પ્રોસેસ છે થર્મલ પાવર સ્ટેશનની એ અહીંયા બતાવવામાં આવી છે, ઓકે। સો વેન કોલ, ઓઇલ ઓર ગેસ બર્ન ઇન ટુ ધી બોઇલર, દેન વોટ હેપન, વોટર ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન ટુ ધ સ્ટીમ, ઓકે। સો વી કેન સે ડેટ કેમિકલ એનર્જી ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન ટુ ધી હીટ એનર્જી। નાવ સ્ટીમ is forcefully applied on the steam turbine, okay, then what happens, this steam turbine is simply just rotated and heat energy is converted into the mechanical energy, why, because the turbine is rotating. Now see here, alternator is simply coupled with the steam turbine, okay, and what is the function of alternator, alternator is simply convert this mechanical energy into the our required electrical energy. Now what is alternator, alternator is nothing but the electrical generator, okay. Electrical generator means that generate the electricity in the form of AC. So yahan pe electricity jo hai wo generate ho jayegi is tarah se, ok.
किस में, थर्मल पावर स्टेशन में। सो बहुत कम है, देखो ये आपको ड्रॉ करना है ब्लॉक डायग्राम, बस इसके बारे में ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ लिखा है, क्या क्या कुछ करता है बस वही लिखना है, गेटिंग। बहुत इजी है। सो आज हम यहाँ पे टोटल हमारे पास जो है 4 थर्मल स्टेशन के बारे में यहाँ पे बुक में है। आज हमने पहला जो देखा वो है थर्मल पावर स्टेशन, ओके। सो थर्मल पावर स्टेशन के थ्रू हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करना मतलब ऑलरेडी एनर्जी ये केमिकल फॉर्म में थी, उसको हीट में कन्वर्ट किया, देन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, गेटिंग। किसके थ्रू किया, तो यहाँ पे बॉयलर, यहाँ पे स्टीम टर्बाइन एंड अल्टरनेटर यूज़ करके। अब हम नेक्स्ट पावर स्टेशन देखते हैं, वो है हाइड्रो पावर स्टेशन, ओके। सो हाइड्रो पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे और एनर्जी सोर्स को कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो ये है हाइड्रो पावर स्टेशन का एक सिंपल सेटअप है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है सोर्स, ये एनर्जी का सोर्स है, ये कौन सा होगा, वाटर। यहाँ पे थर्मल में क्या किया था, ये यूज़ किया था ना। सो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, एक वाटर होगा, गेटिंग। सो यहाँ पे लिखा है देखो, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नो फ्यूल इज यूज, बट द यूज इज मेड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट सम हाइट। सो यहाँ पे लिखा है कि हम कोई फ्यूल नहीं यूज़ करेंगे हाइड्रो पावर स्टेशन में, लेकिन क्या यूज़ करेंगे, जो वाटर यूज़ करेंगे, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यूज़ करेंगे। और वाटर कहाँ पे स्टोर किया होगा, थोड़ी हाइट पे, तो वो कहाँ पे ज़्यादातर होता है, जो डैम जो बनाते हैं ना, वहाँ पे ये ज़्यादा होता है, राइट। सो डैम में क्या होता है, पानी को रिजर्व किया जाता है, तो एक वहाँ पे कोई पानी की मूवमेंट नहीं होती, ओके। पानी केवू है, स्थिर हो, तो ए पोजिशन पर ए पानी ने शू है, पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। अने थोड़ी हाइट पर स्टोर करू हो, तो एनो यूज करीने आपणे इलेक्ट्रिसिटी शू करीशू, जनरेट करीशू, ओके। सो यहाँ पे और लिखा है देखो, वाटर इन रिजर्वर ऑन द माउंटेन हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। मतलब जे माउंटेन ऊपर, એટલે કે થોડા હાઈટ વાળા પર્વત ઉપર જે વોટર જે છે, પાણી જેને જે સ્ટોર કર્યું છે અને જે સ્થિર છે, તો એના પર શું હોય છે, એના પર શું હોય છે, પોટેન્શિયલ એનર્જી હોય છે। વેન ધીસ વોટર ઇઝ બ્રોટ ડાઉન યુઝિંગ ધ પેનસ્કોક, મતલબ પાઇપલાઇન, ધ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન ટુ ધી કાઇનેટિક એનર્જી। સો જ્યારે આપણે એ પાણીને હાઈટ પરથી કોઈક પાઇપલાઇન દ્વારા આપણે એને નીચે છોડીએ આપણે, બરાબર છે ને, ત્યારે એ જે સ્થિર હોય છે ત્યારે શું હોય છે, એના પર પોટેન્શિયલ એનર્જી હોય છે, તો એ પોટેન્શિયલ એનર્જી સામાં રૂપાંતર થઈ જાય છે કાઇનેટિક એનર્જીમાં, બરાબર છે। અહીંયા લખ્યું છે જો, ઇન ટુ ધ કાઇનેટિક એનર્જી, બરાબર છે। સો યહાં પે સેટઅપ મેં આપકો બતાતા હું, યે એક ડેમ હૈ, દેખો યે થોડા હાઈટ પે હૈ માઉન્ટેન પે, યહાં પે યે પાણી કો સ્ટોર કિયા હુઆ હૈ વોટર કો। सो जो स्टोर किया हुआ है उसके पास पानी में क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम क्या करेंगे, पाइपलाइन या पेन स्टॉक जो है की हेल्प से ये पानी को यहाँ से हम रिलीज़ करेंगे, तो ये अभी यहाँ पे उसकी कोई मूवमेंट है नहीं, अभी यहाँ से उसका फ्लो बढ़ेगा, राइट। सो पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको मोशन में आ जाएगा, गेटिंग। तो उसको हम बोलेंगे, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, वो किस में हो आ जाएगी, कन्वर्ट किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे बताया है देखो, ये एरो जो है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे फ्लो होगा ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब सेम हो गया बाद में, अब यहाँ पे क्या है, एक टर्बाइन है। सो वो पानी जो फ्लो से यहाँ तक आएगा, वो टर्बाइन से मतलब टच करेगा टर्बाइन को,
तो ये पानी के फोर्स से टरबाइन जो है वो अभी रोटेट होने स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मतलब टरबाइन के जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर पानी फोर्स से गिरेगा तो वो टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो वो टरबाइन घूमेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। और बाद में तो सेम ही है, हमने देखा वो कि ये अल्टरनेटर जो है वो टरबाइन के साथ कनेक्ट रहता है। तो क्या होगा, टरबाइन घूमेगा तो उसके साथ अल्टरनेटर में जो है रोटर वो घूमेगा, तो ये अल्टरनेटर क्या करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो हमें जो चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। गेटिंग? सो इंग्लिश में आपको बताता हूँ, ये तो हमने बताया देखा यहाँ तक, दिस वाटर पासिस थ्रू द टर्बाइन सो टर्बाइन रोटेट्स एंड द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, राइट? सो व्हेन दिस वाटर इज सिंपली जस्ट फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल विथ सम काइनेटिक एनर्जी, देन दैट इज सिंपली जस्ट पास थ्रू दिस टर्बाइन, सो दिस टर्बाइन इज सिंपली रोटेटेड एंड टर्बाइन इज सिंपली कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इंटू द मैकेनिकल एनर्जी। नाउ सिंपल सेम पॉइंट, अल्टरनेटर इज सिंपली कपल विथ टर्बाइन एंड सो कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो अल्टरनेटर क्या है, अल्टरनेटर इज नथिंग बट द एसी इलेक्ट्रिकल जनरेटर। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करेगा और वो भी कौन सी टाइप की, एसी टाइप की। सो ये जो पोर्शन है वो तो हमने जो थर्मल पावर स्टेशन में देखा वही है, सिर्फ ये चेंज हुआ, ये जो सोर्स चेंज होता है ये सोर्स के बेस पे से पावर स्टेशन का नाम दिया जाता है कि कौन से टाइप का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। बराबर छे, कई टाइप नो सोर्स अहीं आपणे यूज करिए छे, एना ऊपरथी पावर स्टेशन नाम आप, अहीं आपणे शुं यूज करिए छे, पाणी, તેને આપણે શું નામ આપ્યું છે, હાઈડ્રો પાવર સ્ટેશન। બરાબર છે, તો ડેમની અંદર જ્યારે પાણી સ્ટોર થયેલું હોય છે ત્યારે એના ઉપર શું હોય છે, એની ઉપર પાણી પર પોટેન્શિયલ એનર્જી। હવે પાણીને આપણે જ્યારે છોડીએ છીએ એકદમ ઊંચા લેવલ પરથી નીચા લેવલ પર, ત્યારે સ્પીડ મોશનમાં આવશે આખું ફ્લોમાં, અને એ જે પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ સામાં કન્વર્ટ થશે કાઇનેટિક એનર્જીમાં, અને એ સામાંથી પાસ થશે ટર્બાઇનમાંથી, એટલે કે ટર્બાઇનની પાંખો હોય છે એના પર ફોર્સથી પાણી પડશે એટલે ટર્બાઇન ફરશે, ટર્બાઇન ફરશે એટલે શું થશે, કાઇનેટિક એનર્જી મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, રૂપાંતર થશે। અને અલ્ટરનેટર એ ટર્બાઇન સાથે જોડાયેલું હોય છે, તો એ અલ્ટરનેટર શું કરશે, મિકેનિકલ એનર્જીને ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં રૂપાંતર કરશે। બરાબર છે, અલ્ટરનેટર શું છે યાદ રાખજો, એસી ઇલેક્ટ્રિકલ જનરેટર છે, કે ઇલેક્ટ્રિક એનર્જીને જનરેટ કરશે। બરાબર, સો આજ હમ યહાં તક દેખેંગે, આજ હમને દેખા દો પાવર સ્ટેશન, થર્મલ પાવર સ્ટેશન મેં કેસે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી કો સેટ જનરેટ કરતે હૈ ઓર હાઈડ્રો પાવર સ્ટેશન મેં કેસે કરતે હૈ વો। સો નેક્સ્ટ વિડિયો મેં હમ દેખેંગે ઓર જો હમારે પાસ હૈ ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન હૈ એન્ડ ડીઝલ પાવર, વો હમ નેક્સ્ટ વિડિયો મેં દેખેંગે। ઓકે।